Dairy versus diary. ये दोनों वर्ड्स इतने कंफ्यूजिंग हैं कि आज भी एक बार को सोचना पड़ता है कि किसका क्या मतलब है। शुरुआत करते हैं डेयरी से। डेयरी एक नाउन है और एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है। एज नाउन इसका सिंपल सा मतलब है, कोई भी एक जगह जहां पर दूध बनता हो उसे कहते हैं नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस गो टू द अमूल डेयरी, यानी कि चलो अमूल डेयरी चलते हैं। लेकिन एज एन एडजेक्टिव इसका मतलब है कि दूध से बनी चीजें। एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। शमिता सफर्स फ्रॉम डेयरी एलर्जी। And hence, she will not eat kheer. यानी शमिता को दूध से बनी चीजों से एलर्जी है और इसीलिए वो खीर नहीं खाएगी। Now coming to diary. डायरी जो है वो एक नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब है कि एक कॉपी जिसमें आप अपनी दिनचर्या के बारे में लिखते हैं। हिंदी में बात करें तो एक कॉपी जिसमें आप अपने दिन के बारे में लिखेंगे। इंग्लिश में इसे जर्नल भी कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। स्वीटी राइट्स इन हर डायरी एवरी डे। यानी स्वीटी जो है वो अपनी डायरी या जिसको जर्नल भी कहते हैं उसमें हर दिन लिखती है। इन दोनों के डिफरेंस को याद करने के लिए इनकी प्रोनंसिएशन अगर आप सीख लें तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताती हूं। जो डेयरी है उसका प्रोनंसिएशन है डे री डेरी, लेकिन डायरी को डाया री। सो डेरी यानी मिल्क से रिलेटेड और डायरी यानी कि जर्नल। आई होप द प्रोनंसिएशन विल मेक द जॉब इजियर फॉर यू।